तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अक्सर रैम स्लॉट में फंस जाते हो, और रैम स्लॉट में जो कभी कभार है कि एक रैम स्लॉट काम कर रहा है और एक रैम स्लॉट काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा केस में जो लोग फंसते हो उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और ये फुल सोल्यूशन आज बता देता हूँ वीडियो में। ये वीडियो देखोगे तो कहीं भी बोर्ड आपके पास, अगर डेस्कटॉप मदरबोर्ड कहीं भी आए तो रैम सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक स्लॉट में कर रहा है दूसरे स्लॉट में नहीं कर रहा है, इसका पर्टिकुलर जो मतलब सोल्यूशन है वो मैं आज प्रोवाइड करूँगा। वैसे बेसिकली 3-4 वजह से ये होता है, आपको बस वही ढूंढना है। तो ये पीसी स्टोर से ये बोर्ड है, और पीसी स्टोर से बोर्ड है रैम स्लॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, और कहा गया कि एक रैम स्लॉट काम नहीं करता है। तो देखो बोर्ड को अभी मैं ऑन करता हूँ, और ध्यान से वीडियो को फॉलो करो, और परमानेंट ये सोल्यूशन आज कर देते हैं। इसके ऊपर करीब एक दो वीडियो डाल के रखा है, पर इसके ऊपर आज जो फाइनल एक वीडियो बना दे रहा हूँ जो कि फुल सोल्यूशन के ऊपर, ताकि आप अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट टाइम नहीं फंसोगे। तो ये है बोर्ड और ये है ट्रिगर, एक सेकेंड, ये लिया है अभी कोड, और ये बीप नहीं कर रहा है, पर ये स्लॉट में तो रैम काम कर रहा है, तो ये बजर क्यों नहीं बज रहा है, एक सेकेंड, ये 72 PCH का कुछ इरर है, एक सेकेंड, इसे ऑफ करता हूँ एक बार। और फिर से एक बार पावर डाल के मैं दिखाता हूँ कंप्लीटली, ठीक है। और एक बार पावर देता हूँ, इस स्लॉट में काम कर रहा है रैम, ठीक है। तो दूसरे स्लॉट पे डाल के देखते हैं कि क्या होता है। तो इस स्लॉट पे भी रैम काम कर रहा है, तो अभी दोनों स्लॉट पे अभी रैम काम कर रहा है, पर एक स्लॉट पे जरूर ये काम नहीं कर रहा था या फिर कर नहीं रहा है। तो एक स्लॉट में और एक स्लॉट में लगा के देखते हैं, क्योंकि आया है मतलब स्टिकर के साथ, तो प्रॉब्लम तो ज़रूर है। ये देखो मैंने कहा था, ये दूसरा वाला जो ये लेफ्ट साइड वाला जो स्लॉट है, इस स्लॉट में रैम लगा है तो ऐसा एरर आ रहा है, और राइट साइड वाला जो पहला स्लॉट है ये सही है, और ये स्लॉट में प्रॉब्लम है। तो ये है सिम्पटम, आपका रैम सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसे अभी ऑफ कर देता हूँ, और इसका सोल्यूशन क्या होगा और कौन कौन सा स्टेप के ऊपर आपको काम करना है ताकि ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट फिक्स हो जाए, और आपके पास जो भी बोर्ड आए कोई दिक्कत नहीं। ये गीगावाइट का A61S1 है, MS1 है, तो ये इसलिए बोर्ड का मॉडल इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉडल है अगर रैम एक स्लॉट में काम कर रहा है और एक स्लॉट में काम नहीं कर रहा है तो इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो देखो पहला सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रैम स्लॉट अगर काम नहीं कर रहा है दोनों में से एक अगर आपका, तो अभी ये रैम हटा देता हूँ। तो पहला सबसे बड़ा इशू है अगर आपका स्लॉट को चेक करना है एक बार। कभी कभार होता है स्लॉट में रस्ट आने के वजह से आपका रैम सपोर्ट नहीं करता है, ये तो पहली वजह है। दूसरी वजह है ये जो CPU सॉकेट है, इसके अंदर अगर कई भी पिन्स आपका टूटा हुआ है या फिर जुड़ा हुआ है तो सेम प्रॉब्लम इंटरफेस आपको आएगा, एक रैम स्लॉट काम नहीं करेगा, और ऐसे केसेस में कभी कभार दोनों स्लॉट ही काम नहीं करता है। तो मैक्सिममली अगर CPU पिन प्रॉब्लम है तो एक स्लॉट काम नहीं करेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इस बोर्ड में क्या दिक्कत है। और भी दो वजह से होता है ऐसा, वो भी डिस्कशन कर देंगे, पर ये सही होगा देखता हूँ। तो एक सेकेंड, मुझे जो दिखा था वो मैं ढूंढ रहा था, ढूंढ रहा हूँ माइक्रोस्कोप पे, तो कैमरा पे ही दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन को उठाना पड़ेगा। तो देखो बोर्ड को ध्यान से देखो, मैं निशाना करके दिखा रहा हूँ, ये जगह पे थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो पिन्स टेढ़ा मेढ़ा है और इस जगह पे एक पिन मिसिंग है, तो एक पिन मिसिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार मिसिंग पिन से भी होता है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये मैं कैमरा में देख के थोड़ा सा पहले रिकवर कर लूँगा, और इसको लिक्विड डाल के आपको एक बार क्लीन कर लेना है। ये है दूसरा,
तो ये मैं बाद में करता हूँ। और तीसरा जो है आपका, ये जो PWMIC है हर बोट का ही, PWMIC के वजह से एक स्लॉट काम नहीं करता है कभी कभार, तो उस टाइम आपको करना है इसको थोड़ा सा क्लीन करके शोल्डरिंग आयरन से शोल्डरिंग करना है। उसके बाद आपको अच्छे से देखना है पिन सब ठीक है कि नहीं, उसके बाद आपको थोड़ा सा हीटअप कर देना है यहाँ पर, ठीक है, SMD से। और नंबर फोर, यहाँ पर एक PWMIC मिलता है, रैम कंट्रोलर IC। ये IC अगर ख़राब हुआ तो भी आपका एक स्लॉट नहीं, इस केसेस में आपका दोनों स्लॉट काम नहीं करेगा। ये डेटा सप्लाई करता है, रैम का डेटा अगर मिसिंग हो जाता है, इस ये बोल्ट भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये IC अगर ख़राब हुआ तो आपका सेम इंटरफेस आएगा। ये है 2-3 बजा। और सबसे लास्ट वाला एक नंबर 5 जो बोलूँगा मैं, ये रैम का इशू आपका बायोस रिलेटेड से भी होता है। बायोस फाइल अगर चिप ख़राब हुआ, चिप में कुछ इरोर है, या फिर इसके अंदर जो प्रोग्राम है उसमें कुछ फॉल्टी है, कुछ फाइल क्रॉप्ट है, तो फिर आपका रैम स्लॉट का इशू आएगा। तो उस टाइप के केसेस में बायोस रिलेटेड अगर केस हुआ तो दोनों स्लॉट ही काम नहीं करेगा। और एक रीज़न होता है रैम स्लॉट, अगर ये रैम स्लॉट में कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो, SPD VDD हो, या फिर डेटा हो, या फिर सप्लाई हो, अगर मिसिंग हो जाता है तो आपका रैम नहीं सपोर्ट करता है। तो ये रैम का डेटा शीट मिलता है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, गूगल करो तो मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली ये 4-5 प्रॉब्लम होता है, अगर जो भी बोर्ड हो, जो भी आर्किटेक्चर का बोर्ड हो, ये 4-5 प्रॉब्लम की वजह से आपका जो रैम है सपोर्ट नहीं करता। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगा, आप साथ में रहो। और मैं कैमरे में देख के कर रहा हूँ, ऊपर में आप जस्ट यूँ ही देखते रहो, मैं यहाँ पर देख देख के कर लूँगा, ठीक है। ये एक पिंस मुझे लगा है, ये बहुत डाउन हो चुका है, चलो उठा देते हैं। अच्छा उठा दिया, और इसमें बहुत सारा डास्ट है, ठीक है। तो इतना डास्ट है कि ये एक पिंस है जो प्रॉब्लम कर सकता है। ये पिंस थोड़ा सा डाउन, बहुत डाउन हो चुका है ये पिंस भी, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। और ये उसके बाद में एक पिन मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। चलो ये पिन ऑलरेडी टूट के गिर गया है कहीं पे, ठीक है। तो ये पिन डिटैच था बोर्ड से, ऑलरेडी टूट गया, मैं जब ठीक करने गया तो कहाँ गिरा ये पिन, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक पिन मेरा यहाँ पर टूट चुका है ऑलरेडी, तो इसके वजह से ये रैम का जो प्रॉब्लम है ये आता है। आपको बस ध्यान रखना है कि CPU सॉकेट के पिन से हो रहा है, या फिर BIOS से हो रहा है, या फिर PWMIC से हो रहा है, या फिर रैम कंट्रोलर से हो रहा है, या फिर स्लॉट से हो रहा है, ये चारों चीज़ ये है उसका CPU। ये फिर से लगा देता हूँ, ये चारों पांचों मेनली 4-5 वजह से ये रैम का प्रॉब्लम आता है। तो और एक चीज़ करना है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लिक्विड भी डालना है, क्योंकि ये जो स्लॉट है ये बहुत डस्ट था इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड भी डालना पड़ेगा, और डाल दिया। और एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो स्लॉट है, आपको ये स्लॉट को थोड़ा सा, मैं वैसे सिंपली स्लॉट को थोड़ा सा लिक्विड डाल के क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। बस इतना ही करना है, और ये जो जो चीज़ मैंने बताया इन 4-5 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। और ये अगर आप फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बोर्ड इसी प्रॉब्लम के साथ अगर आता है, एक स्लॉट काम कर रहा है, एक स्लॉट काम नहीं कर रहा है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो इस बार रैम इस स्लॉट पे ही लगा के, यही रैम लगाते हैं जो था पहले स्टरलाइट का, यही रैम लगा के चेक करके देते हैं, ठीक है। तो यही रैम लगा के, और एक फैन लगाना है CPU के। तो अभी देखो, चला के देखते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है।
देखो ये स्लॉट काम नहीं कर रहा था, अभी ये काम कर रहा है, डिस्प्ले आ गया। और एक जो स्लॉट था वो सेकंड स्लॉट, सेकंड स्लॉट पे भी डाल के देखते हैं ये स्लॉट काम करता है कि नहीं। चलो ये स्लॉट भी रेडी हो गया, तो दोनों स्लॉट पे अभी काम कर रहा है रैम। और देखो सिंपल सी बात होता है ये, ज़्यादा बस आपको थोड़ा सा समझना है कि प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट है और कौन कौन सा सेक्शन पे काम करना है। ज़्यादातर मैंने बता दिया, तो पहला हो गया आपका सीपीयू सॉकेट को देखना है, रैम स्लॉट को देखना है, कोर आईसी को देखना है और बायोस और रैम कंट्रोलर जो एक पीडब्ल्यूएम आईसी मिलेगा। ये आईसी आपको देख के ही पता चलेगा, यहाँ पर जो आईसी मैंने अभी दिखाया, दिखाता हूँ, ये हर बोर्ड में ही मैक्सिमम बोर्ड में आपको ये आईसी मिल जाएगा, रैम स्लॉट के बाजू में ही मिल जाएगा, ठीक है। ये शॉप 8 का आईसी होता है, इसका RT11811 कुछ नंबर होता है, अलग अलग होता है हर बोर्ड में, एक नहीं होता है, और देखना पड़ेगा, आप थोड़ा सा देख लेंगे तो समझ जाएंगे। तो यही होता है बस फंडा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ नया सीखे हो, तो एक लाइक करके जाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू ऑल, जय हिंद।